दोस्तों, आप सड़कों पर हजारों गाड़ियों को चलते हुए देखते हैं, लेकिन जब आप इनकी नंबर प्लेट्स को गौर से देखेंगे तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इनकी प्लेट जो है वो अलग अलग रंग की हैं। अगली बार जब आप सड़क पर निकलेंगे तो गौर फरमाइएगा कि ज़्यादातर गाड़ियां जो हैं वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और रेड कलर की नंबर प्लेट्स वाली हैं। लेकिन इनके पीछे भी एक बड़ा मज़ेदार लॉजिक है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ज़्यादातर गाड़ियों पर सफ़ेद रंग की प्लेट होती हैं, जिनका मतलब है कि ये गाड़ी एक प्राइवेट व्हीकल है जो आप अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। येलो प्लेट जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि आप जब भी कोई कैब बुक करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि उसकी नंबर प्लेट येलो कलर की मिलेगी, यानी कि ये कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इसका ओनर इस गाड़ी से पैसे कमा रहा है। टैक्सी, कैब और ट्रक्स पर येलो कलर की प्लेट इस्तेमाल की जाती है, वहीं ब्लैक कलर प्लेट रेंटल और सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत सारे लग्जरी होटल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिनका आजकल ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले वक्त में आपको बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक दिखाई देंगे और उन सब की नंबर प्लेट ग्रीन कलर की होंगी। रेड प्लेट जो होती है वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है, जब तक कि आप उसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेते। परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाने का 1 महीने का वक्त होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए रेड कलर की प्लेट दी जाती हो। ब्लू कलर प्लेट जो है वो फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जिन प्लेट्स पर आपको एक ऊपर की तरफ जाता हुआ एरो का निशान दिखाई दे तो समझ लेना कि वो गाड़ी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां देखी जा सकती हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं, और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फैक्ट आईएचसी को सब्सक्राइब करें।